उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा में कार्यरत शिक्षक थाना क्षेत्र के मार निवासी पूर्व मुखिया राजेंद्र राय का पुत्र नवीन प्रकाश का फोर व्हीलर निजी वेगनार का परसा थाना द्वारा 25,500 रुपये का फाइन काटने को लेकर शिक्षक द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है। शिक्षक द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि गत 16 सितंबर को करीब 3:30 बजे विद्यालय से पढ़ाकर अपनी फोर व्हीलर कार से घर जा रहा था, तभी पीछे से परसा थाना में एसआई पद पर कार्यरत अंकित कुमार द्वारा फोटो खींचकर 25,500 का चालान काट दिया गया, जबकि एसआई से मेरी मुलाकात नहीं हुई, नहीं कोई वाहन को रोककर जांच किया गया। दूरभाष पर चालान काटने की सूची उपलब्ध हुई तो देखा गया तो परसा थाना द्वारा परसा उच्चतर विद्यालय के समीप चालान काटा गया है। आवेदन पर शिक्षक तथा अन्य लोगों द्वारा थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह से मुलाकात कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग करने की बातें बताया गया है। घटना को लेकर थाना पर पहुंचे पीड़ित तथा अन्य लोगों द्वारा क्या कहा गया, पीड़ित की जुबानी सुनिए घटना की पूरी कहानी। कि हम विद्यालय से निकल रहे थे और चित्रा वाले रोड से घर जा रहे थे, अपना घर चले गए हम, 3:30 हो रहा था। उसके बाद में जो है 3:30 के बाद हम घर चले गए। 6 बजे जब मोबाइल पर मैसेज आया तो उसमें हम लोग चेक किए कि भाई कहाँ से मैसेज आ गया चालान का। तो जब उसका पूरा डिटेल्स निकलवाते हैं तो हमको लगा कि भाई कहीं हम गए होंगे तो पहले का होगा, कहीं हमसे गलतियाँ हुई होगी इसलिए चालान आया है, जिसमें हम कहे भाई 8 ऑप्शन है, इससे तो कहीं हमसे गलती नहीं हुआ है। फिर जो है पूरा डिटेल्स निकाले तो घटना स्थल उसमें हम देखे तो हाई स्कूल में हम कहे कि भाई हाई स्कूल से तो अभी हम आए हैं 3:30 बजे, कि हमारे साथ तो ऐसा कोई किसी से बात नहीं हुआ है, ना कोई पदाधिकारी हमको मिला है, ना कोई मिला है, कि हमको चालान कैसे काट दिया गया। फिर हम क्या इसमें हम थी पता करने लगे भाई आखिर हुआ क्या। फिर हमको एक अर्जुन जी हैं वो हम अथी फ़ोन किया कि भैया देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, हमसे बात हुई है कि कह रहा था कि कह दीजिएगा चालान भरने के लिए। हम कहें कि अरे भाई तो चालान है, हम कोई गलती की है तो हमको रुकना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, सारी जानकारी लेना चाहिए, आ जिसमें हम अगर गलत हैं तो फाइन करते, लेकिन हमसे ना कोई बात हुआ ना कुछ हुआ है और वो फाइन कर दी है कैसे। थाना पर हम लोग आए, बराबू से मिले, बराबू बोले कि अच्छा हम इस मामला को देखते हैं, आज का समय दिए थे, फिर आज आए हैं तो अभी पता चला है कि बड़ा बाबू चले गए हैं, तो कोई क्राइम मीटिंग क्या है। 8 ऑप्शन का चालान काटे हुए हैं जिसमें सारा हमारे पास उपलब्ध है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी में कागज़ नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, क्या क्या है 8 ऑप्शन है इसमें, तो कहिएगा तो चालान भी हम दे देंगे आप लोगों को। हाँ, और 25,500 का चालान काटे हैं। हो सकता है हम घर जा रहे हैं तो सीट बेल्ट हम नहीं लगाएं ना, क्योंकि बगले में घर है यहाँ से 2 किलोमीटर, तो ऐसा तो कोई यहाँ मैप आई चाहे कोई ऐसा कैमरा नहीं लगाया गया जिससे कि देख लेंगे पहले से कि हाँ बिना हम सीट बेल्ट लगाए जा रहे हैं, समझे ना। इसलिए हमको लग रहा है कि पूर्व में अब क्या है इनका, हमसे किसी तरह कहीं से कोई बात भी नहीं है, और वो भी सरकारी कर्मचारी, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, और हमारे साथ जब ऐसा कर सकते हैं तो आम जनता के साथ ही कैसा करते होंगे। ये हम बात कर ले आकर बोले तो यहाँ 50-100 आदमी जुटा था और सारा लोग कह रहा था कि नहीं ये दरोगा छोड़ ऐसा ही नहीं है, ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये पूरा जो है किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है। ये तो आप पूछ सकते हैं, ये हमारे साथ थे, बात हुई इनसे फ़ोन पर तो बताए, और जिनसे से बात कर सकते हैं। आपका परिचय? हम नवीन प्रकाश, +2 शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा सारण। कि समथंग 3:30 टाइमिंग था, हम भी ड्यूटी से ही आ रहे थे, तब तक हाई स्कूल चौक से ही शिक्षक नवीन प्रकाश जी अपने घर की तरफ जा रहे थे। इनके विपरीत दिशा से हम मेन रोड पे आ रहे थे, तब तक ये क्रॉस किए और उसके बाद क्रॉस करने के बाद तब तक हम देख रहे हैं कि थाना प्रशासन की गाड़ी इनके पीछे खड़ी थी और इनका फोर व्हीलर का फ़ोटो खींच रहे थे। फ़ोटो खींचने के बाद हमसे कह रहे हैं कि कौन है, हम कहें कि अभी हाई स्कूल से निकल अपने घर जा रहे हैं, शिक्षक है चाहे अध्यक्ष हैं, तो उसके बाद तब तक वो बोल रहे हैं कह दिएगा इनको चालान भर देने के लिए। हमने कहा अरे वो तो घर जाए चालान किस बात की, हमने नहीं नहीं कह देना उसको चालान भर देने के लिए, मतलब इस रूप में वो बोले जिनका कोई हिसाब नहीं था और बोल के और उसके बाद चलते रहे। ठीक था क्यों? यहाँ तक 110% गलत है वहाँ पर उनका प्रशासन, और जहाँ तक कि अंकित बाबू का जो बात है, उनका रवैया इस ढंग का है जिसका कोई हिसाब नहीं है, किसी व्यक्ति को बिना बेवजह पीट देना, बेवजह गाली गलौज कर देना, बेवजह सामान बर्बाद कर देना, इनका रवैया मतलब जब से ही
आए हैं परसा में तब से ही रवैया चालू कर दिया है अपने आप को ही। सुनने में तो यही आ रहे हैं कि अपने आप को ही प्रशासन नहीं समझ के अपने आप को ही रंगदार साबित कर रहे हैं। वर्जी पदाधिकारी आएँ और धरना स्थल पर आके और चेक करें, और दूसरी बात की वो भी साबित करें यहाँ पे कि हाई स्कूल से नवीन प्रकाश जी निकले हैं तो ये गलत डायरेक्शन में जा रहे थे कि खुद ही अपने घर की तरफ जा रहे थे। आके धरना स्थल पे आके चेक करें और इनको उचित कार्रवाई इनके ऊपर किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो भाई शिक्षक पेशा है, शिक्षक पेशा कोई ख़राब नहीं होता है, इनके ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए जनता यहाँ की तैयारी है। आपका पर्चा? मेरा अर्जुन कुमार मेरा नाम हुआ, हम बिस्कोमान परसा बिस्कोमान से AGM। देखिए हम लोग आए हैं, देखिए एक आपको भी इस चीज़ का जानकारी होगा, बहुत ही ये वायरल चीज़ है। एक माने व्यक्ति विशेष को और पूर्वाग्रह के आधार पे इस तरह से अनलीगल रूप से चालान काटना ये बहुत ही गलत है, और इसी के अगेंस्ट में हम लोग आवेदन भी दिए हैं और हम लोग आए हुए हैं कि इस पर वरीय अधिकारी के द्वारा इस पर समीक्षा की जाए। ये बात नहीं है कि इसको हवा में ले लिया जाए, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और आम आदमी पब्लिक गरीब कहाँ जाएगा भाई जब आप इस तरह से रवैया करेंगे। आपको कानून का ये दिया गया है, रखवाली करने का व्यवस्था दिया गया है, दुरुपयोग करने का तो कोई चीज़ है नहीं आपके पास इस चीज़ का है। तो हम लोग इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस पर ढंग से जाँच हो, व्यवस्था हो। आप उस उनके चालान का इमेज को देखिएगा, उसमें इमेज में कहीं भी नहीं है कि जहाँ से गलत लाइन से गाड़ी जा रहा है या उसमें सीट बेल्ट नहीं है या ओवरलोडिंग है, इस तरह का जो भी चार्जेस किया गया है वो गलत है। जैसे आपने छपरा में सुना होगा कि एक बाइक का जो है सीट बेल्ट का चालान कट गया था, तो उस तरह का ही ये चीज़ है, उसको वैसे ही लेना होगा। इस चीज़ को इस तरह से करना सही नहीं है, ये तो सुनने के लिए मिल रहा है। समाज देखिए, समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा जा सकता है। आप समझिएगा कि किसी भी आधार पर आप समझिएगा कि सांप को हम पाल रहे हैं और किसी विशेष जाति को काटेगा, ये नहीं है, वो किसी को भी काट सकता है। ये गलत है, ये बहुत ही गलत है, और आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। कानून को हाथ में लेकर आप नहीं कर सकते हैं, विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए आपको रखा गया है, तो ये तो गलत है। और इसके अपोज में हम लोग रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जब तक सुधार नहीं होगा तब तक रहेंगे। आपका पर्चा? आपका पर्चा? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव, पूर्व प्रत्याशी परसा विधानसभा। पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि से भी ले लिया, बाइक पूर्वक और कुछ ले लिया।